दोस्तों गुड मॉर्निंग। मेरा नाम विजय और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा रखता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ ना, वीडियो का इम्पोर्टेंस मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि हम हमेशा है ना स्पॉट के अंदर, जैसे कि भाई वर्तमान में क्या चल रहा है ना, तो वहाँ पर हम लोग पोजिशन बनाते हैं बाय और सेल की, बराबर। तो ये बाय और सेल की जो पोजिशन आप लोग बनाते हो, तो उस पोजीशन के अंदर इतनी चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि आपको जो भी कुछ बाय किया है उसकी अंडर वैल्यू एसेट्स आपको पता होनी चाहिए। जैसे कोई स्टॉक आपने लिया 1450 रुपये में, बराबर, तो 1450 रुपये की एसएल कहाँ लगनी है और वहां से वापिस 1450 को ब्रेकआउट कब देना है ना, ये आपको पता होना चाहिए। मान लो अगर ये पता नहीं होगा ना, समझ लो, तो आपका जो 1450 से जो गिरावट वाला जोन होता है ना, वहां से 1450 का जो ब्रेकआउट जोन होता है ना, इसके बीच में तकरीबन 4 से 5 दिन का अंतराल होता है। 60 डिग्री का वहां पे सर्कल इस तरह से बनता है, उसके बाद में ब्रेकआउट आता है। ये 30 मिनट का चार्ट है, इसलिए मैंने आपको 30 मिनट के चार्ट के अंदर 3, 6, 9 का जो रूल्स है, और ये रूल्स लगता है हमारे बॉन्ड यील्ड के अंदर, रेपो रेट के अंदर, इन्फ्लेशन कंट्रोल के अंदर, हर जगह पे ये होता है। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि आप लोग बैंक निफ्टी इंडेक्स, निफ्टी 50 इंडेक्स, फिन निफ्टी इंडेक्स, जहां पर इंस्टीट्यूशन अपना बाय सेल करते हैं, मतलब पब्लिक से पैसा इंस्टीट्यूशन ने लिया एसआईपी म्यूचुअल फंड में से, एलआईपी एलआईसी में से, और वो पैसा यहाँ पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लगता है, बराबर। तो वो जो है ना गिरावट में भी कमाते हैं और चढ़ते हुए भी कमाते हैं, और 18% आपको एसआईपी का रिटर्न बोलो, म्यूचुअल फंड का रिटर्न बोलो, तो 18 से 12% बोलो तो 9% भी आपको डिक्रीज इनके अंदर भी मिल जाता है। हाँ, तो ये चीज होती है, तो ये चीज होती है ना, ये मायने रखती है हमारे एसजीएक्स लेवल पर। एसजीएक्स का मतलब क्या होता है कि सिंगापुर गवर्नमेंट के पास, सिंगापुर एक्सचेंज गवर्नमेंट के पास इतना फंड है, समझ लो कि भैया पूरे विश्व को यहाँ से फंड प्रोवाइड किया जा रहा है, बराबर। किसी को बैंक को चाहिए अगर कर्जा चाहिए, मान लो आरबीआई को अगर कुछ चाहिए तो वहां से, अगर सेंट्रल मिनिस्ट्री को चाहिए तो यहाँ से, अगर कोई रोड कॉन्ट्रैक्ट बनाना हो तो यहाँ से, सारा पैसा जो है पूरे भारत के अंदर यहाँ से ही फंड हमारा आ रहा है। अब मतलब क्या हुआ कि फंड जो आ रहा है ना, तो उस फंड की रिकवरी तो भैया एसजीएक्स रोज करेगा, पहली बात। तो ऐसा तो नहीं है किसी किसी कंपनी को अगर कॉन्ट्रैक्ट मिल गया तो उसका मतलब कि सीधा ऊपर जाना है, रॉकेट की तरह उड़ना है। जैसे अभी अभी मैंने एड पढ़ी, तो उस एड के अंदर, मेरे ग्रुप के अंदर दिखा रहा हूं, अगर मान लो आप एड पढ़ते हो, तो जेंसर टेक को रक्षा मंत्री ने बड़ा ऑर्डर दिया, बराबर। तो इस कंपनी ने, रक्षा मंत्री ने इस कंपनी को बड़ा ऑर्डर दिया, जेंसर टेक को, मतलब कि ये ड्रोना वगैरह बनाती है, जो कुछ भी बनाती है कंपनी, जो भी कुछ यानी टेक्नोलॉजी चाहिए तो ये कंपनी प्रोवाइड करती है रक्षा मंत्री को, ताकि इनके रिलेशन जो है ना काफी अच्छे। अब कहने का मतलब क्या है कि रक्षा मंत्री के पास भी वो शेयर तो होंगे ही, बिकॉज कि अगर ऑर्डर उन्होंने दिया है तो मतलब क्या होगा, ये स्टॉक तो उनके पास भी होगा, तो उन्हें कहाँ पे सेल करना है, अगर उन्होंने लिया है तो उनकी प्रमोटरशिप कहाँ पे, देखो ये लोग डायरेक्ट कभी भी है ना इंटरनली कभी भी कुछ स्टॉक वगैरह लेते नहीं। अभी ब्लैक एक टाइम था जब ब्लैक मनी चलता था, ब्लैक मनी को पूरा का पूरा मोनेटाइजिंग व्हाइट मनी में कर दिया नरेंद्र मोदी जी ने, जो नोटबंदी आई थी, जब वो नए नए जब पीएम बने थे तभी नोटबंदी आई थी ना, इसकी वजह ही एक थी कि कोई भी ब्लैक मनी अब टेबल के नीचे से लेगा नहीं, मतलब कि पूरा व्हाइट मनी। अब पूरा व्हाइट मनी कहाँ दिखाई देगा आपको, मार्केट के अंदर दिखाई देगा, कि भैया अगर रक्षा मंत्री जी ने यहाँ पर ऑर्डर दिया है ना, तो समझ लो मार्केट में बूम होने वाली हो। ये जो मेरा टारगेट है 542 का टारगेट है जेंसर टेक का आने वाला है, बराबर। तो अभी चलो कहाँ पे रहा है, 481 पे, मतलब टारगेट कहाँ पे, 508 512 का यहाँ पे इसका टारगेट है, बराबर। मैंने बहुत ही ऊपर का टारगेट दिया है, मतलब कि 512 का आसपास के इसका टारगेट समझ के आपको चलना है। लेकिन यहाँ पर एक ध्यान रखने की जरूरत ये है कि मैंने यहाँ पर है ना मेडिटेशन लेवल कुछ शंकर भगवान के यहाँ पे चित्र लगाए हुए हैं, और ये एरो लगाए हुए, मतलब कि क्या मार्केट है ना, मान लो कि वो प्रमोटरशिप अगर मान लो कोई शेयर होल्डर लेके चलना चाहता है, अगर शेयर होल्डर का सपना है कि भैया 1100 ये 620 रुपये जाएगा, बराबर, जहाँ पे मैंने रॉकेट ड्राइंग किया 10/11/2030 की तारीख मैंने ड्राइंग की है, ये मैंने मेरा तजुर्बा है। देखो आपका जो तजुर्बा होगा तो आपके तजुर्बे से आपकी कुछ अलग तारीख निकलेगी, बराबर, उसके उससे कोई लेना देना नहीं है, आपको टारगेट से लेना देना है दूसरा। लेकिन बाई जन बाई कहाँ से करना है, तो वो भी तो एक मास्टर ही है ना, कि देखो यहाँ पर अगर राजनाथ सिंह ने ऑर्डर दिया है तो मतलब क्या होगा, प्रमोटर अपनी स्टेक होल्डिंग को छोड़ सकते हैं, और 418 का जो लोअर है, जैसे एक नया जन्म होता है ना, तो वैसे भी इनका नया जन्म होता है, तो
424 का नया डबल बॉटम जोन होता है। तो डबल बॉटम के बाद में वापिस से बाइंग आती है 456, 470, 480 तक की। तो ये जो 424 का जोन है उसके नीचे 418 का इसलिए मैंने जोन बनाया ताकि कहीं ऐसा ना हो जाए कि मार्केट एकदम से दबाक लेके नीचे आ जाए। बराबर ऐसा होता है ना, बहुत बार ऐसा होता है। अगर बड़ा ऑर्डर मिला आपने सोशल मीडिया में देख लिया ना, तो समझ लो कि जो SGX है ना वो अपना खेल दिखा के रहेगा, बिकॉज कि उसने इसके अंदर पैसा डाला हुआ है। सबसे बड़ी बात कहने का मतलब ये। तो अगर ये आप समझ नहीं रहे मान लो, तो आपको एवरेज बनाना सीखनी चाहिए। आपको फंड मैनेजमेंट है, मान लो कि आपने 100% की अपकर मान ले फंड पड़ा हुआ है, तो आपको उसके अंदर जो 50% निवेश आपने करना है, तो 50% निवेश के अंदर आपको कम से कम अपना फंड मैनेजमेंट 3 से 4% की हिस्सेदारी आपको जेंसरटेक में आपके फंड मैनेजमेंट के साथ लेनी है, ताकि ऐसा ना हो कि कहीं के यार फंड नीचे आ गया मान लो, तो आपका जो मार्जिन मनी वो कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, फिर आपके स्टॉक कटते जाएंगे। तो स्टॉक ना कटे ना इसके लिए ऐसा होगा। यानी आपने देखा होगा डेल्टा कॉर्प की कहानी, तो डेल्टा कॉर्प की कहानी भी सिमिलैरिटी वैसे ही हुआ। सबका मार्जिन मनी नीचे आ गया, लोगों को क्या हुआ, स्टॉक अगर खुद नहीं काट रहे तो वो ब्रोकर काट रहा है, बिकॉज कि पूरा पोर्टफोलियो भर गया है। समझ लो भाई ये बढ़ रहा है, वो बढ़ रहा है, वो बढ़ रहा है। अरे सब कुछ दुनिया में बढ़ेगा, मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे खाते के अंदर अगर 10 लाख रुपया पड़ा है तो 10 लाख रुपया पूरा लगा दो। 10 लाख में सिर्फ लगाने का होता है सिर्फ 4 लाख रुपया, 6 लाख रुपया जो होता है ना बचा के रखने का होता है, ये ऐसे मौके पर काम आता है। जब वो रिटेस्ट करने आएगा तब 6 लाख पूरा लगा दोगे तो आपको 10 लाख का 12 से 15 लाख आपको प्रॉफिट मिलेगा, जिसको कहते हैं रॉकेट जो गया उधर। तो ये चीज़ होती है फंड मैनेजमेंट, इमोशन कंट्रोल जो होती है ना, ये बहुत चीज़ होती है। मार्केट तो बढ़ेगा चढ़ेगा गिरेगा उसका काम करेगा। तो अब मैं आता हूँ मुद्दे पर, मेरी पॉइंट पर आता हूँ। तो SGX ने समझ लो कि ये नीचे से बॉन्ड दिए, बराबर। अभी जैसे जैसे आपने देखा कि मॉर्गन स्टेनली जो है ना, तो मॉर्गन स्टेनली ने यहाँ पर ऐड कर दी, यहाँ पर ऐड कर दी, 26 और 16 अक्टूबर को ऐड की, 17 अक्टूबर को ऐड की। जैसे भैया वहाँ पे पेपर में आया कि मॉर्गन स्टेनली 2520 करोड़ के बॉन्ड लिए, 2520 करोड़ के बॉन्ड यहाँ पर मुझे कहाँ दिखाई दे रहे, मैं आपको बता रहा हूँ। 2520 करोड़ के जो दिए ना उसने बॉन्ड, तो बॉन्ड उन्होंने यहाँ पर निवेश किए ये लेवल पे 382.0682, ये जो 13-18 अक्टूबर का मैंने सेटलमेंट लिखा है ना जो होना बाकी है अभी, तो यहाँ पर इन्होंने ना भैया बॉन्ड डाले हुए। अब ये बॉन्ड अगर डाल रहे हैं ना मान लो SGX में, SGX से उठाकर मान लो कहीं से भी उठाकर, इनको भी पैसों की जरूरत होती है, उनकी जेब का पैसा कभी नहीं डालते ये लोग, भी क्या है कि उन खुद भी बोल लेते हैं और बॉन्ड को आगे जाने देते। तो वो बॉन्ड अगर इन्होंने यहाँ पे निवेश किए है और बॉन्ड की प्राइस मान लो गिर रही है, मतलब कि उनके पास और बॉन्ड पड़े हुए हैं और कैश फ्लो मनी पड़ा हुआ है, इतना समझ लो। जब बैंक निफ्टी कल अचानक से 42,840 पर क्लोज हुई, मतलब कि उनके पास एक्स्ट्रा फंड था लेकिन पब्लिक के पास नहीं था, पब्लिक ने यहां पर लॉस बुक किया। ऐसे ही नुकसान नहीं होता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। और ऑप्शन तो समझ लो कि भैया आता है तो ही करो, और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है ना उसके अंदर पता होना चाहिए आपको कि मेरी जो एक्सपायरी है मैं कौन सी लेना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे तारीख लिखी है 12-18 अक्टूबर 2023 का सेटलमेंट, 25/11/2023 का डबल टॉप, 18/28/11/2023 का रजिस्ट्रेशन डेट, 10/12/2023, 10/11/2023 समझ लो, 12 नहीं है 2011 है। तो 10/11/2023 का मतलब होता है कि ये और बॉर्ड का जोन हो रहा है यहाँ पे, मतलब कि 10/11 की डेट जो है ना ये और बॉर्ड की जोन हो रही है, ये 10/12 नहीं है 10/11 है समझ लो। जो भी हो कहने का मतलब कि ये यहाँ पे मान लो इन्होंने फंड डाला, बराबर, किसने डाला, मॉर्गन स्टेनली डाला। अब मॉर्गन स्टेनली ने क्या किया, नीचे की तरफ मार्केट को झुका किया, मतलब कि और सारे जो थे जो बायर्स थे, जो बिग बायर्स थे, इन्होंने क्या किया, मार्केट को क्रैश किया। मार्केट को क्रैश करने के बाद में जो पुराना फंड था इनका, जो पुराना इन्वेस्टमेंट था, यहाँ पे भी निवेश किया था, यहाँ पे भी निवेश किया था, निवेश करने की कलाकारी और आर्ट देखो यहाँ पे होती है, इस जोन पर होती है, हमेशा इसी जोन पर बाइंग किया जाता है। और वो बाइंग की डेट भी आपको यहाँ पे लिखी होगी, 26 जनवरी देख लो, फिर उसके बाद में 4 अगस्त देख लो, उसके बाद में आप देख लो ये रिकवरी कहाँ से किए, 11 सितंबर से, मतलब कि यहाँ पे निवेश किया, यहाँ पे निवेश किया, यहाँ पे निवेश किया, यहाँ पे, और ब्रेकआउट कब दिया देख लो, और कितने दिनों के बाद में ब्रेकआउट दिया, और ये 7 जुलाई का, 10 जुलाई का जो रिट्रेसमेंट है, तो 10 जुलाई का रिट्रेसमेंट 18 सितंबर, मतलब के 3 महीने लगे इनको कॉन्ट्रैक्ट को, कहने का मतलब जुलाई मतलब सितंबर, जुलाई अगस्त सितंबर अगस्त, 4 महीने आप गिन लो यहाँ से। तो ये आपको देख रहे हो सितंबर, तो जुलाई के बाद में ये सितंबर, तो 4 महीने के बाद में इनका कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे खत्म हो रहा है, मतलब कि अभी जो नया कॉन्ट्रैक्ट बनने वाला है तो नया कॉन्ट्रैक्ट कब खत्म होगा। तो इसका भी सिमिलरिटी वही है कि ये 7 जुलाई, ये
यहाँ की जो डेट है समझ लो 12 22, 22 का मतलब कि 11 होता है, नीचे का 22 समझ लो कि 11, तो 11 का मतलब होता है 11वां महीना। तो 11 महीना ना मुझे ऊपर दिखाई दे रहा है, नीचे दिखाई नहीं दे रहा है, बिकॉज क्या ना ऊपर डबल टॉप भी है, और डबल टॉप का मतलब कि यहाँ पर उन लोगों का पैसा अगर फंसा है, अगर नहीं फंसा ही होता है पैसा, ये लोग खुद रखते हैं उनका पैसे को, इसे गिरा नहीं सकती, ये कैंडल कभी गायब नहीं हो सकती है। ये कैंडल अगर यहाँ पे मतलब कि मॉर्गन स्टेनली का पैसा यहाँ भी है, तो वो क्या करेंगे पता है कि यहाँ पर निवेश किया, यहाँ पर निवेश किया, यहाँ से वापिस नई कैपिटल डाली, और यहाँ पर जाके उनका पूरा का पूरा लॉस जो है वो एक कवर कर लेंगे। मतलब कि ये पूरा का पूरा सेटलमेंट, पूरा पूरा सेटलमेंट मतलब कि 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि यहाँ से जो इलेक्शन शुरू हुए थे समझ लो 31-5 से, जो बजट वगैरह ये वो जो भी कुछ हुआ, यहाँ पर नए प्रोजेक्ट मिले लोगों को बराबर, तो आपको आपको पता होगा कि लास्ट चौथे महीने के अंदर, लास्ट चौथे महीने के अंदर जो मार्केट ने तेजी बताई थी, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट थे ना, वो कॉन्ट्रैक्ट जो थे वो उन्होंने यहाँ पे सेटलमेंट किए, 1 2 3 बराबर 4 और 5, तो 1 साल के अंदर यानी 2030 के अंदर 5 बार बॉटम दे के, पीवोट को बॉटम दे के इन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट को क्लोज किया हुआ है, लेकिन इस सपोर्ट को अभी तक रिट्रेस नहीं किया। ये जो सपोर्ट है ना, ये सपोर्ट, ये मेन सपोर्ट है, ये सपोर्ट को अभी तक रिट्रेस नहीं किया। ये ड्राइंग जो है ना, मैंने ऐसी नहीं बनाता हूँ, मैं आपके बताने के लिए बनाता हूँ कि ये कब रिट्रेस करेगा, ये तब रिट्रेस करेगा जब काफी मात्रा के अंदर बायर्स रहेंगे। तो देख लो ये अब जो नीचे आ रहा है ना, तो लोगों को यूँ लग रहा है कि नीचे आएगा नीचे आएगा नीचे आएगा, तो 42,112 का तो लेवल दे दिया बराबर, लेकिन मंथ एक्सपायरी की अगर बात करता हूँ मैं, तो गए महीने के अंदर जो मंथ एंड के अंदर यहाँ पर क्लोजिंग दिया था, 3 10 10 को यहाँ पे क्लोजिंग दिया था कुछ, मेरे ख्याल से 10 सितंबर को, तो 10 अक्टूबर का यहाँ पे क्लोजिंग दिया, मतलब 10 26 अक्टूबर या 28 अक्टूबर बोलो, यहाँ पे क्लोजिंग दिया, मतलब कि अब मार्केट में बुलिश होना बहुत ही जरूरी है। यानी मॉर्गन स्टेनली जी ने यहाँ पे पैसा अगर इन्वेस्ट किया और यहाँ से नीचे गिरावट देखी उन्होंने, उन्होंने खुद अपने पैर पे कोहरा मारा समझ लो, खुद लॉस देखा, तो इनके पास तो बल्क मनी पड़ा हुआ है, लेकिन रिटेलर कहाँ जाएगा? रिटेलर मान लो इमोशनली यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहा है, यहाँ पे तो उसको तो मिनिमम में मिलना है, बिकॉज कि ये रेजिस्टेंस आपको हर बार नड़ता देखने मिलेगा, फिर ये रेजिस्टेंस के ऊपर गया तो और बढ़, वो लोग पुट लेंगे तो ये कॉल करेगा, तो ये सारी चीजें होती है ना, जैसे एक्सपायरी सेटलमेंट के साथ, वीकली सेटलमेंट के साथ, डेली सेटलमेंट के साथ, बॉन्ड यील्ड का पैसा जो होता है, समझ लो कि भैया आपने अगर किसी को पैसा दिया है तो आपको वो अगर पैसा चाहिए तो आप हर महीने उसको बोलोगे भाई साहब आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जैसे एक ईएमआई होता है कि आपने किसी के 2 व्हीलर ली, 4 व्हीलर ली, कुछ भी ली, तो आपका हर महीने को ईएमआई आता है ना जैसे, तो वैसे हर मंथ को ईएमआई आता है, तो इस मंथ का ईएमआई यहाँ पे आ गया। अब जो ईएमआई की डेट है समझ लो कि 3 से 4 दिन, 3 से 4 की जो डेट होती है, तो 3 4 की डेट लेने के बाद में कंपनियों के अंदर पावर आता है, मतलब कि एसजीएक्स को अपना जो ईएमआई था वो मिल गया बराबर। अब ईएमआई मिलने की वजह से पूरे वर्ल्ड बैंक की, पूरे वर्ल्ड में उसका पैसा गया, मतलब बजाज फाइनेंस में गया, इधर गया उधर गया कहीं भी गया, मंथ एंड के अंदर एक्सपायरी के अंदर उनका जो रिटर्न है, जो इंटरेस्ट है, यहाँ पे इन्होंने लोन दी, कुछ भी दी, क्या भी किया, कुछ भी किया, आईसीआईसी को लोन दिया, आईसीआईसी ने पब्लिक को लोन दी, रिटेल पर रिटेल तक लोन गई, गाउड़ गाउड़ में लोन गई, तो हर जगह पे लोन गई, पूरा का पूरा इंस्टॉलमेंट, पहला इंस्टॉलमेंट है वो यहाँ पे इन्होंने लिया। पहला इंस्टॉलमेंट लेने के बाद में इस कंपनी के अंदर इस मंथ के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो खत्म होने के बाद में नए कॉन्ट्रैक्ट कब होने वाले हैं, वो कहाँ तक होने वाले हैं, उस लेवल तक जाने की तैयारी करेगा। मतलब 18 तारीख होती है, 18 तारीख, 18 तारीख होती है ना रजिस्ट्रेशन की तारीख होती है, ध्यान रखना मेरी बात, तो ये 18 तारीख मैंने लिखी है ना यहाँ पे, 18 11 डेट सेटलमेंट, मतलब कि यहाँ पर जाके है ना कॉल जाने वाली है यहाँ पर, और लेवल भी मैंने लिखा है यहाँ पे 43,253 का लेवल लिखा है मैंने यहाँ पे बराबर, 43,420 मतलब क्या हुआ, 420 ही हो गई भैया यहाँ पे, तो 420 का मतलब समझ रहे हो कि मूर्ख बन गए सारे के सारे कॉल कॉल राइटर और पुट राइटर के बीच में जो चक्की छसते चक्की पीसते हैं ना, जैसे कि भाई रिटेलर चक्की पीस रहा है, तो रिटेलर जो है ना यहाँ पे बेवकूफ बन गया। पहली बात देखो वर्ड जो है ना, मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ कि जैसे ये मार्केट के अंदर जो फील कर रहे हैं लोग, जो फीलिंग हो रही है ना मार्केट में, यार मैं तो यार पुट लेके फंस गया, यार मैं तो कॉल लेके फंस गया, यार मैंने जब एंट्री ली ना तो मेरा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का जो प्रीमियम है ना, मेरा ऑप्शन को प्रीमियम को खा रहा था, मतलब कि किसी को ये भी पता नहीं है कि अगर 250 पे लिया, अगर 284 पे अगर नहीं बेच रहे हो तो प्रीमियम जो है ना ऑप्शन प्रीमियम 222 तक आपकी एसएल खाता रहेगा, प्रीमियम को रगड़ता रहेगा, ये उसी प्रीमियम की चाल है। जैसे यहाँ पे बंदे ने लिया 220 का कॉल लिया, 220 पे कॉल पे
डोले शोले करते करते 250 से बाइंग आके 282 पे गया, 282 पे गया। अगर 282 पे वो बंदा नहीं निकल रहा है तो समझ लो उसकी उम्मीद है कि भैया 282 का कॉल जो है ना मेरा 300 रुपये जाने वाला है। तो पहले है ना उस कॉल को रगड़ 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 के ना 318 320, और तो बोलते हैं ना कि जैसे दो खड़ा ना खड़ा रहा 285 पे, तो उस कॉल की वैल्यू जो होती है 222 रुपया कर देगा। और 222 222 आया जैसे वैसे उसका मूवमेंट टाइम आएगी, और एंड ऑफ डे के अंदर समझ लो कि भी बाजार का खत्म होने का शुरू हुआ है और लोगों ने लॉस बुक कर लिया, और उसके लॉस बुक करने के बाद में ये 200 जिसकी उम्मीद आपकी थी 340 तक जाए, तो वो दूसरे दिन उड़ के 340 तक जाएगा। लेकिन उस दिन तो क्या करेगा बताया, आपको रुला देगा पहले तो। यानी कॉन्ट्रैक्ट नोट्स देखने के बाद में कैसे देख लो, ये मेरे ग्रुप के अंदर है ना, देखो कुछ चीजें आपके अंदर से बाउंसर जाती होगी, मैं समझ सकता हूँ बराबर। तो बाउंसर इसलिए जाती है ना कुछ चीजें, बिकॉज के मार्केट के अंदर बाउंसिंग ही चलता है। पहली बात तो यहाँ पर समझाने वाला बेवकूफ नहीं है, जो समझ नहीं रहे मान लो उनको मैं उसी चीज नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन समझ नहीं रहे ना वो एक समझ लो गलत फहमी हमारे, लेकिन समझ नहीं रहे बात को, समझ लो कि भैया ये अगर समझ गए ना कॉन्ट्रैक्ट नोट्स को, इस कॉन्ट्रैक्ट नोट्स को, कि ये 42,100 का कॉल है 15 नवंबर बराबर। तो ये मैंने राउंड राउंड किया और यहाँ पर मैंने क्वांटिटी देखी है कि भाई सेल क्वांटिटी इतनी और बाय क्वांटिटी इतनी है, मतलब जो डेटा जो है ना पूरा का पूरा बुलिश डेटा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, पूरा का पूरा बुलिश। और इसके बाय ऑर्डर भी नीचे लगा के रखे, जैसे 212 मैंने बोला अभी ये 200 के ऊपर प्राइस जाता है तो 300 350 तक प्राइस जाता है, 320 यानी ये तो फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब कि इस कॉन्ट्रैक्ट का उछलना 212 तक तय है, इसके अपर सर्किट 212 227 तक तय है, उसके बाद में ये मार्केट सपोर्ट करेगा, उसके बाद में वापिस 182 के लोअर पे यहाँ पे जो लोअर लिखे हुआ है, मतलब क्या है कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मूवमेंट हम गम रहती है, लेकिन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ना वो गुलाट मारने वाला होता है, एकदम से उछाल दिया और एकदम से गिरा दिया, वो उसका काम। अभी अभी जो मार्केट में डेटा क्लोज हुआ है वो डेटा क्लोज देखने के बाद में ऐसा ही लग रहा है कि लोगों ने पुट को होल्ड करके रखा है। पहली बात तो लोगों ने पुट को होल्ड करके रखा है, तो एक छोटा सा चार्ट मैं आपको दिखा देता हूँ, इसके आधार पर अब इतना कुछ समझ गए होगे तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये लोग इनके लॉस की रिकवरी 100% करेंगे, आपका लॉस लेकर पूरा लॉस बुकिंग होगी, वो लोन का ईएमआई जो सबकी पूरी दुनिया का आ जाता है ना खाते के अंदर जैसे पावर आता है, तो नया लोन जब मध्य सेटलमेंट जिसके मंथ का पीवोट 18 तारीख 17 तारीख 15 तारीख 4 तारीख रिटेस 12 तारीख रिटेस, तो ये 12 और 4 तारीख का रिट्रेसमेंट डबल बॉटम जोन जो होता है 18 और 22 तारीख को डबल टॉप में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो जो है ना पूरा मंथ एंड जैसे समझ लो भैया ये एरिया के अंदर मंथ एंड पूरा होने वाला है, ये डबल टॉप है, ये डबल टॉप है, पूरा का पूरा डबल टॉप है, ये मंथ एंड जो है ना यहाँ पे अगर डाल दिया ना समझ लो कि यहाँ पे ये मंथ एंड अगर सेटलमेंट एक करके फिर वापिस ऊपर ले गए, तो काफी सारे लोगों का ऐसे एरिया मैंने यहाँ पे ड्रॉइंग करके रखा हुआ है। अगर मान लो सीखना चाहते हो समझना चाहते हो ना टुकड़ों में, टुकड़ों में ये पूरा का पूरा भरा भर दिया है मैंने इसको टुकड़ों में सीखना। टुकड़ों का मतलब क्या है पता है आपको, कि भाई मैं डेली बेस पर इंट्राडे बेस पर क्या लेवल है मार्केट के लेवल के साथ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के प्रीमियम क्या है और प्रीमियम कितना हिट और कौन से टाइम पे देने वाले उतना ही मैं जानना चाहता हूँ, तो ही मार्केट को सीख पाओगे। उसके लिए जो नंबर है ना नंबर ये मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, इस नंबर का अगर आपने उपयोग कर लिया तो समझ लो ये अगर मगर तगर वाली जो बात होती है ना मार्केट के अंदर, जैसे मैंने आपको सीधा एसजीएक्स बताया, एसजीएक्स क्यों बताया उसकी वजह मैंने इसलिए बताई कि एसजीएक्स ही पूरे वर्ल्ड के अंदर जो बैंक होती है पूरे वर्ल्ड की, तो यहाँ से पूरे बॉन्ड की सप्लाई होती है, ये सप्लाई की रिकवरी एसजीएक्स वापिस डेली बेस पर आवरली सेटलमेंट के अंदर लेता है। आपको लगता होगा कि मंथ एंड के अंदर एक्सपायरी के अंदर जीरो टू जीरो नहीं होता है, डेली जीरो टू जीरो होता है, डेली 1 आवर रिट्रेसमेंट, और जैसे बोलते हैं ना डे पीवोट, डे पीवोट का मतलब कि भी आज के दिन का हाई और आज के दिन का पीवोट, 1:30 बजे तक रिट्रेसमेंट हो जाता है, 1:30 बजे के बाद में नई बाइंग शुरू होती है, या अगर सेलिंग में मार्केट चलता है तो नई सेलिंग शुरू होती है। ये चीजें है ना बहुत समझना जरूरी है, बुलिश हो गया तो 1:30 बजे के बाद में कभी भी सेलिंग में मत खड़े रहना, अगर बेरिश रहा है तो 1:30 बजे के बाद में कभी भी बुलिश में खड़े ना रहना जब तक ट्रेड रिवर्स नहीं आता है तब तक बराबर। इतना मैं आपको हिंट दे सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं दे सकता, बिकॉज के यहाँ पर जो है पूरा एजुकेशन पर्पज है, सेबी रजिस्टर नहीं हो, लेकिन इतना जरूर बता दूं कि डेली बेस कॉन्ट्रैक्ट पर अगर काम करना हो बॉन्ड यील्ड सेटलमेंट के साथ में, रेपो रेट सेटलमेंट के साथ में, इन्फ्लेशन सेटलमेंट के साथ में बराबर, इवेंट सेटलमेंट के साथ में,
जैसे कोई ऑर्डर मिला है किसी कंपनी को, तो उसके सेटलमेंट के साथ में काफ़ी सारे सेटलमेंट होते हैं। एक सेटलमेंट होता है, मैं बताओ, अगर मैं वीडियो बनाना जाऊंगा ना तो लंबी लिस्ट निकलेगी पहले तो। यानी कोई एक सेशन नहीं है मार्केट के अंदर, यहाँ पे 1 खरब सेशन है मार्केट के अंदर। इस मार्केट को कोई एक भाषा के अंदर, एक सीधी लिटी के अंदर कोई सिखा नहीं सकता, ना समझा सकता है, ना मैं समझा सकता हूँ। इसलिए मैंने सीधा डायरेक्ट क्या पकड़ा पता है, मूल को पकड़ रही है। मूल का मतलब क्या होता है कि आप जिस पेड़ पर चढ़ के अंबे को यानी मैंगो को लेना चाहते हो, उस मैंगो के लिए बीज कौन सा डाला और जमीन कौन सी फलद्रुप रूपी है ना, वो फलद्रुप जो जमीन रूपी है ना, वो दोनों तरफ है, नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ, दोनों तरफ है। अगर इस चार्ट को मैं उल्टा कर दूं ना, तो बीज जो है ना वो यहाँ पर भी बोने हैं ऊपर जाके। जैसे कि यहाँ पे बीज बोएंगे रजिस्ट्रेशन पे, तो सपोर्ट के टारगेट मिलेंगे उनको, तो यहाँ जाके ये लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। तो दोनों तरफ की बाय सेल की मोमेंटम होती है। और नीचे का अगर मान लो बीज बोना है मैंगो लेने के लिए, तो ये इन्वर्ट स्केल में जाके इन्होंने क्या किया, नीचे देखो, 1 बार 2 बार, अरे बाप रे, हर महीने में इन्होंने ना, जैसे लोन दे रहे हैं आप लोगों को, तो लोन देने का मतलब ये होता है कि भैया उसके डीमेट के अंदर ही नहीं, उसके बैंक अकाउंट के अंदर भी घर खर्चा करने के बाद में उसका बचा कुचा जो अमाउंट होता है ना, जैसे लोन का पेमेंट देना, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरना, वो भी उसकी जेब में नहीं आना चाहिए, उतना उसका खर्चा उसका बढ़ा देंगे। पहली बात तो अगर मेरी वीडियो सुनकर आपको ये महसूस होता हो ना कि मंथ एंडिंग के अंदर आप जो भी कुछ काम कर रहे हो, मान लो आप सैलरीज पर्सन हो या सेल्फ एम्प्लॉय हो या जो भी कुछ हो, मजदूर हो, बराबर, रिक्शा भी चलाते क्यों नहीं हो, आप एक चीज नोट कर लेना कि जैसे जैसे मंथ एंड आएगा ना, आपके खर्चे बढ़ते जाएंगे, खर्चे बढ़ते जाएंगे, खर्चे बढ़ते जाएंगे। जब रिक्शा का EMI, 2 व्हीलर का EMI और 4 व्हीलर का EMI या कोई भी प्रकार का मोबाइल का EMI जब भरने का दिन आएगा ना, तो आपकी जेब के अंदर पैसा नहीं होगा। या तो आपको कहीं से मांग के पे करना पड़ेगा, या तो आपको कुछ सेटलमेंट करना पड़ेगा, और कुछ ना कुछ तरीके से आपके पास पैसा आ भी जाएगा और आप पैसा भर दोगे और वही पैसा लेके ऊपर चला जाएगा मार्केट। बस यही मार्केट है, वैसे ज़्यादा मार्केट कुछ नहीं है। आशा करता हूँ कि ऑप्शन फ्यूचर कॉन्ट्रा को सीखना हो, साइकोलॉजी को सीखना हो, तो मेरा जो नंबर मैंने यहाँ पे लगा दिया है, सेबी रजिस्टर नहीं, अभी भी बता रहा हूँ, टोटली एजुकेशन पर्पज़ है, बराबर। तो एजुकेशन पर्पज़ के माध्यम से ही आप सीखे, और जितना आपके पास कैपिटल पड़ा है उस कैपिटल के हिसाब से ही आप स्टॉक को निवेश करें। बाकी मार्केट के अंदर तो ना खरबों कंपनियां आने वाली है, क्योंकि तेल का कुआं बनने वाला है, रोज का रोज डेली रेत तेल के कुएं रोज बनाएंगे, अरब लोग बनाएंगे, भाई स्विट्जरलैंड वाला बनाएगा, यूके वाला बनाएगा, US वाला बनाएगा, भारत वाले बनाएंगे सब। लेकिन आपका बनना चाहिए, सबसे बड़ी बात ये है, दुनिया में कौन कितनी तरक्की करता है ना, ये मत देखो आप कितनी तरक्की करने वाला हो ना, उसके पीछे भागो, तब जाके हमारा लक्ष्य पूरा होगा। भारत का विकास तब होगा जब भारत का आम इंसान, भारत का आम नागरिक जब तरक्की की शिखर पे होगा, तब भारत शिखर, अगर भारत अगर तरक्की की ओर जा रहा है ना, तो उसमें इंसान की तरक्की नहीं है। ध्यान रखना है, इंसान की तरक्की उतनी है सेटलमेंट तक, जैसे मैंने देखा महीना पट गया, EMI पैसे, EMI तक के पैसे नहीं बचे, पूरा का पूरा पैसा पावर सेक्टर ले गया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक ले गया, पानी ले गया, बराबर, जितने भी आप टैक्स दे रहे हो टैक्स ले गया, टैक्स सारे के सारे इसी महीने में आएंगे। देखना हो तो देख लेना, जो GST CST जो भी कुछ आपका भरने का आएगा ना, वो इसी महीने के अंदर आएगा, जो मैंने मंथ एंड दिया ना उसी महीने के अंदर आएगा, और ये सारा पैसा आपका इसी तरह से मैनिपुलेट होता है। आशा करता हूँ सीखे समझे बढ़े। मोदी जी ने कहा है कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, तो आशा करता हूँ कि आप भी इसको ये कोर्स समझे और कोर्स सीखे। ये खरबों का मैदान है, यहाँ पर ये ना समझे कि मेरे को इतने में सीखने मिल जाएगा, 1000 2000 की टिप में मुझे सीखने मिल जाएगा। अगर मान लो 1000 2000 की टिप में कहीं सीखने गए, या किसी ने 350 का बैनर लगा दिया, तो मान लो कि ये जो लॉजिक मैं बता रहा हूँ ना, इस लॉजिक तक कभी जिंदगी में नहीं पहुंचोगे। पहली बात तो इस लॉजिक तक पहुंचने के लिए अपने आप को है ना वो भट्टी के अंदर डालना पड़ता है, जिस भट्टी के अंदर जलती हुई आग दिख रही है आपको, जहां पे लोहा तपे तार बोलते हैं ना, धार बन जाती है, लोहा तपके धार बनती है, हथियार बनता है, तब जाके आप है ना तैयार होगी। पहली बात तो अब मेरी वीडियो रवानी को विराम देता हूँ, थैंक यू, देना शुक्रिया पर, जय जय भारत।